क्या खूब लिखा है एक पत्नी ने अपने पति के लिए। प्रिय पतिदेव, जब पहली बार हम मिले थे तो मैं भी शर्माई थी और आप भी शर्माए थे। ऐसा लग रहा था कि आपके साथ शादी करके मुझे सारे जहां का प्यार मिलेगा, आप मुझे सारी खुशियां और सम्मान देंगे, अपने परिवार के साथ साथ मुझे भी बहुत सारा प्यार और समय देंगे। लेकिन ये सारी बातें एक सपने की तरह रह गई है। ऐसा क्यों? धीरे धीरे ऐसा महसूस होने लगा है कि जिंदगी में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। चार दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। मैं नहीं कहती कि दिन रात मेरे बारे में सोचो, लेकिन दिन में एक बार और रात में एक बार मेरी आंखों में आंखें डालकर एक बार जरूर सोचना। आपको यह महसूस जरूर होगा कि मेरे लिए आप ही मेरी जिंदगी हो। मैं नहीं कहती कि मेरे गुलाम बन जाओ, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि मुझे रानी बनाकर आप राजा की तरह जियो और राजा की तरह रहो। मैं नहीं कहती कि मुझे डांटो मत, मुझ पर गुस्सा मत करो, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि मुझे भी अपनी बात रखने का एक मौका जरूर देना। मैं नहीं कहती कि मुझे आज़ादी चाहिए, मैं जो चाहूँ वो करो, जहाँ चाहूँ वहाँ जाओ, लेकिन इतना जरूर कहूँगी कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी कभी घर में घुटन सी होने लगती है, मैं भी खुली हवा का एहसास लेना चाहती हूँ, मेरे भी बहुत सारे रिश्तेदार हैं, मुझे भी कभी कभी मिलने का दिल करता है, मेरी भी छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं, खुशियाँ हैं जिसे आपके साथ रहकर पूरा करने की कोशिश करती हूँ। पूरी दुनिया में एक औरत का सगा और अपना सिर्फ पति ही होता है, जिसे वह अपना सुख और दुख बांटने को बेकरार रहती है। और यही बात अगर आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा, क्योंकि माँ बाप ख्वाबों को हकीकत नहीं देने देते, पति भावनाओं को नहीं समझ पाते, बच्चे इच्छाओं की परवाह नहीं करते और दुनिया वाले औरत की कदर नहीं करते। अंत में इतना ही कहूंगी कि असली मर्द अपनी पत्नी की सारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए हालातों से लड़ता है और कमजोर मर्द अपनी पत्नी से लड़ता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपके सामने एक पत्नी की ख्वाहिश और उसकी इच्छा भरी बातों को रखा है। कड़वी है मगर सच है। इस वीडियो के दो पार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उन दोनों वीडियो को एक बार जरूर देखना तो इस वीडियो की सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलना। और अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, रिश्तों को महत्व दें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। धन्यवाद।